behind me, bro. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की राइड. Here we go. और फुल पावर के साथ हम लोग चलने वाले हैं. बाकी गाइस ये कोई रेस नहीं है, नॉर्मल एक राइड है. बीच बीच में हम थोड़ा ओवरटेक आगे पीछे करते हैं जो कि हम पूरे कंट्रोल वे में करते हैं. तो प्लीज़ कभी भी कोशिश ना करें कॉपी करने की जब तक आपको खुद में कॉन्फिडेंस ना हो. और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे के एंगल में क्या बढ़िया लीन हो रही है सबकी बाइकें यहाँ पे. और ये चल रही है GS 6000. साइड में खड़े लोग हाई कर रहे हैं. GS 6000 को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गए हैं फिलहाल. और इसी के साथ थोड़ी सी स्पीड कम कर ली क्योंकि राइडर्स की कमी महसूस होती हुई. सबसे आगे चलने में वो इतना मज़ा नहीं है, अगर पूरा ग्रुप हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है. तो यहाँ पे इशारा हो गया कि थोड़ा आप आगे आ जाएं, माहौल को थोड़ा और गर्म बनाया जाए, फायर अप किया जाए रोड को. और यहाँ पे लीन गेम शुरू हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से. GS 6000 थोड़ा सा बाहर जाके भी ओवरटेक करके निकाल दिया है पूरा लीन टर्न. और इसी के साथ दोबारा एक टर्न आता हुआ और कोशिश करेंगे लीन करते हुए ओवरटेक करने की. और बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं. और फिलहाल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिस्क मोमेंट जो दिख रहा है बाइक का और फ्रंट फॉक्स का जो मोमेंट है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अगर आप नोटिस कर पाए. और अब होने वाला है कुछ खतरनाक सीन. फिलहाल GS 6000 को ओवरटेक मार लिया है और मेरे आगे चल रही है Duke 390. और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लीन गेम भी हमारा चालू है. और 390 आपको पता है अपने आप में एक बीस्ट है. तो अब उस बीस्ट के साथ यहाँ पे कुछ होने वाला है अगले ही टर्न पे. और वो होने के गाइस बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले फुटपैक नीचे टच हुआ है और उसके बाद गाड़ी स्लिप हुई है और ट्रैक्शन लूज करते करते मतलब रह गई. अगर गाड़ी को सही टाइम पे सीधा नहीं करते तो बिल्कुल स्लिप होती है और पक्का यहाँ क्रैश होना था. तो इसके होने के पीछे जो रीज़न है गाइस वो कुछ भी हो सकते हैं. टायर की ग्रिप कम हो सकती है, आपका लीन एंगल गलत हो सकता है, वेट ट्रांसफर गलत हो सकता है, स्पीड ज़्यादा हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे. बट हाँ ये काफ़ी क्लोज कॉल थी. और फिलहाल यहाँ पे 390 ड्यूक ने अपनी स्पीड कम कर ली और हम निकल गए आगे. और अगले ही मोड़ पे एक और चीज़ होने वाली है जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकती थी. देखते हैं. जय बजरंग बली, ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तंग तंग सस्ते नसे तार चिपक गई छाती से, ओम सी माम बिंग बिंग बो, तंग तंग सस्ते नसे तंग तार है ढीली कौन कसे, तंग तुम्हारी बहन को नमन पापा मेरे तो कांप रहा पिछवाड़ा, मैं नीचे बजूंगा पापा तुम कर लो तार चेक, बड़े हैवी ड्राइवर निकले तुम तो बेटे. सो गाइस यहां पे होता क्या है कि एक लंगूर जो होता है ठीक तभी सामने हमारे आता है जब हम स्पीड में होते हैं और सामने से कार भी आ रही होती है. उसे तभी कूदना था रोड के बीच में जब गाड़ियाँ चल रही थी. वो तो ये था कि वो बहुत अटेंटिव था, उसे पता था कहाँ रुकना है तो वो रुक गया. एक तो अगर वो किसी की गाड़ी के सामने आता तो क्रैश होता, डेफिनेटली होता और बहुत ही ख़राब होता. बाइक से हमारी कंट्रोल में थी बट तब भी कुछ भी हो सकता था. तो फिलहाल हम वहाँ से बच के निकल चुके हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ फेलनी शुरू कर दी दोबारा से और लेटा रखे कतई आप देख सकते हैं. और साइड में चल रही है पब्लिक. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. और अब बस थोड़ी ही देर में बहुत बुरी एक चीज होने वाली है, मतलब एक नुकसान होने वाला है मेरा. वो भी अब आप देखेंगे क्या होने वाला है. सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है हमारी बाइक्स में जो टायर लगे हैं वो मीडियम सॉफ्ट कंपाउंड के लगे हुए हैं और सुपर बाइक्स में भी सॉफ्ट टायर कंपाउंड लगा रहता है तो वो एक्चुअली पत्थर फेंकते हैं. तो यहाँ पे यही हुआ है. अगर आप ध्यान से देखें एक पत्थर आगे लगा और ये लाइन सी बन गई मेरे कैमरे पे. एक्चुअली में एक पत्थर उछल के लगा है और उसने क्रैक कर दिया है लेंस के ऊपर जो लगा होता है ग्लास उसको. अब देखते हैं आगे क्या होगा. पीछे का एंगल अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया सारे ही राइडर से लेटा रखी है बाइकें यहाँ पे. और गाइस यहाँ पे भी थोड़ी देर में एक बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है, वो भी आप देखेंगे. So guys, actually, मैं यहाँ पे एक बंदा हमको देखते देखते गिर जाता है टर्न पर.
पहले नगर पालिका को बुलाओ, पहले गड्ढा भेजे। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। इनकी माँ का माडा A few inches later. So guys, अब हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट रोड थानो। अब यहाँ से जाने वाले हैं फुल स्पीड के साथ सारे के सारे राइडर्स, खूब सारे पब्लिक रिएक्शंस बटोरते हुए। सबका हो गया, अब चलो हम भी निकलते हैं यहाँ से फुल स्पीड में। तो गाइस आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, स्टेडियम है ये, और यहाँ पे कुछ फोटो शूट वगैरह वीडियो शूट वगैरह का प्रोग्राम है, तो देखते हैं क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, तो काफ़ी पब्लिक रिएक्शन यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे बनाई जा रही है रेव की वीडियो, जो कि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको इसकी रील मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। चलो भाई लोग। अब हम पहुंच गए हैं सारे के सारे देहरादून महाराणा प्रताप चौक पे, और अब निकल रहे हैं घर के लिए। जाने से पहले आपको मैं अपना सीन दिखा देता हूँ कैमरे का क्या हुआ था। सो गाइस आज मेरे गोप्रो पे एक पत्थर लगा उछल के, और इसका जो आगे का ग्लास है, लेंस के ऊपर का जो ग्लास होता है, वो क्रैक हो गया बीच में से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब पता नहीं इसका क्या सीन होता है, कैसे ठीक होता है ये। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।